हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। 2024 में गांव शहर में दौड़ेंगे ये 10 बिजनेस। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे 10 बिजनेस जिसको आप गांव में भी कर सकते हैं और शहर में भी करते हैं। आइए शुरू करते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए हुएगा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला बिजनेस आइडिया है कंप्यूटर रिपेयरिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम में कंप्यूटर सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसी से आजकल बिजनेस होते हैं, इसी के थ्रू आजकल पढ़ाई की जाती है। सारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन बेस हो गया है। ऑनलाइन बेस के लिए हमें कंप्यूटर एक हमारे जीवन की आवश्यकता बन गया है। तो इस जब ये चीज़ है तो इसके खराब भी होता है। तो इसके अगर आप रिपेयरिंग का बिजनेस करते हैं तो ये एक बिजनेस बहुत अच्छा साबित होता है। दूसरा जो बिजनेस है वो है कोचिंग सेंटर का। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोचिंग से अगर आपको किसी विषय सब्जेक्ट में अच्छा स्किल है, आपको अच्छी कमांड है, तो आप उस सब्जेक्ट से कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। कोचिंग सेंटर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से खोल सकते हैं। आप इसको घर से भी शुरू कर सकते हैं, गांव में भी शुरू कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कोई जगह लेके भी शुरू कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोचिंग सेंटर का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस होता है। इसमें सिर्फ आप किस जिस सब्जेक्ट में कमांड है उसमें आप अगर पढ़ाते हैं तो वो एक अच्छा बिजनेस साबित होता है। तीसरा बिजनेस है फ्रीलांसिंग बिजनेस। फ्रीलांसर का मतलब है ये एक बिना पैसे का बिजनेस है। इसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कई कंपनियां होती है जो वो फ्रीलांसर प्रोवाइड करवाती वैकेंसीज निकालती है। अगर आपको कई कई चीज़ों में अच्छी कमांड है तो आप फ्रीलांसिंग का बिजनेस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना कमा सकते हैं। चौथा बिजनेस है बेकरी का बिजनेस। आज के टाइम में बेकरी का भी बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस साबित हो रहा है, क्योंकि लोगों के बेकरी के साइड में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। बेकरी के बिस्किट, ब्रेड, केक, इनमें बहुत ज़्यादा आज के टाइम में लोगों की डिमांड बढ़ रही है। अगर आप बेकरी का बिजनेस करते हैं तो ये एक बिजनेस बहुत अच्छा साबित होता है। इसके अंदर काफ़ी प्रॉफिट मार्जिन रहता है और इन्वेस्टमेंट भी रहता है। पांचवा बिजनेस है होम कैंटीन बिजनेस। जैसे कि होम कैंटीन इन बिजनेस के अंदर आपको घर से बाहर नहीं निकलना होता, घर पे ही आपको खाना अच्छा बनाना आता हो तो आप अपने टिफिन सेंटर की होम कैंटीन को आप साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हो तो आप हस्बैंड वाइफ मिलके भी ये पार्ट टाइम में होम कैंटीन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को ज़्यादातर जो लोग बाहर रहते हैं जिनके साथ फैमिली नहीं रहती है उनको घर का खाना ही पसंद आता है। तो इसमें अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो ये भी बिजनेस काफ़ी प्रॉफिट रहता है। नेक्स्ट बिजनेस है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट बिजनेस पहले समझ लेते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है। वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जैसे कंपनी की मेल्स डालना, कंपनी की मीटिंग सेट करना, कंपनी के अपॉइंटमेंट्स बिठाना, कंपनी की जो भी आगे का प्रमोशन कैसे करना है, ये सारे काम वर्चुअल असिस्टेंट के होते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट की पोस्टिंग निकालती है कंपनी ही। और अगर वर्चुअल असिस्टेंट की जो पेमेंट होती है, जो सैलरी जिसको अपन बोल सकते हैं, वो भी एक अच्छी खासी सैलरी होती है। वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर आपको अच्छा नॉलेज भी मिलता है जिससे आने वाले टाइम में आप अपना भी बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है योगा क्लासेस। आज के टाइम में जो यूथ है, कोई भी कह लो, यूथ, ओल्ड एज पर्सन, यंगर, जो भी है, वो सब अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं। उनको एक्सरसाइज और की नीड होती है। इसमें अगर आप योगा क्लासेस शुरू करवाते हैं तो बहुत अच्छा पैसा है। नेक्स्ट है नर्सरी का बिजनेस। जैसे कि आप सभी को पता है लोग अपने घर में प्लांट्स लगाते हैं, अपनी बाल घर की बालकोनी में या बाहर गार्डन जो उनके पास खुली जगह है वहाँ पे प्लांट्स लगाना पसंद करते हैं। अगर आप अपने शहर में या गांव में नर्सरी का बिजनेस करते हैं तो ये भी बिजनेस काफ़ी प्रॉफिट भी देने वाला बिजनेस होता है। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है क्लोथिंग स्टोर। क्लोथिंग यानी कपड़ों का बिजनेस। कपड़ा एक ऐसी है जो लोगों की आवश्यकता है। अगर हम आवश्यकता के ऊपर बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस हमें काफ़ी प्रॉफिट दे सकता है। आप क्लोथ्स के अंदर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। आप केवल जेंट्स के भी रख सकते हो, लेडीज़ के, बच्चों के, या तीनों तीनों भी रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है ओल्ड कार बाय एंड सेल। जैसा कि आपको पता होगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो फर्स्ट रेट कार मतलब डायरेक्ट कंपनी से कार परचेज नहीं कर सकती कई बार, तो वो सेकेंड हैंड कार खरीदना प्रिफेयर करते हैं। तो इस समय में अगर आप सेकेंड हैंड कार उनको सही रेट में देते हैं तो वो उनके लिए बेनिफिट रहता है। दूसरा दूसरा क्या होता है कि जो बड़े बड़े रिच मैन होते हैं वो जो कारें खरीदते हैं वो थोड़े टाइम चलाते हैं फिर उनको वापस बेच देते हैं, तो वो थोड़े टाइम चलाई हुई कार को जो है वो मिडिल क्लास फैमिली ही लेना पसंद करती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी बिजनेस की जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।